वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा बड़ी खबरें। जातिगत जनगणना भाजपा पार्टी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना को लेकर मुलाकात की थी और बड़े गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को बात सुनने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। नीतीश कुमार बोले थे कि प्रधानमंत्री ने बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुना और समझा, वो जो भी फैसला लेंगे वो उचित होगा। तेजस्वी भी नीतीश कुमार को धन्यवाद देते दिखे थे, लेकिन अब नजारे कुछ और ही दिख रहे हैं। जातिगत जनगणना में नीतीश और तेजस्वी साथ आते दिख रहे हैं, जो भाजपा के लिए बेशक एक खतरे की घंटी है। ऊपर से जेडीयू के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दे दिया कि अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना की बात नहीं मानती है तो भाजपा के साथ मतभेद बढ़ना लाजमी है। हमारी मांगे ना मानना बेईमानी होगी। समाज से भेदभाव हटाने के लिए जनगणना की जरूरत है। हालांकि बाद में वो बोले कि भाजपा के साथ ये टकराव प्रसव पीड़ा की तरह है जिसका अंत सुखद होगा। 26 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने और तालिबान पर नजर रखने को लेकर सभी सरकारी दलों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। भारत सरकार ने भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है, जिसके अंतर्गत 24 भारतीय और 11 नेपाली दिल्ली आ रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व गृह मंत्री मसूद अंद्राबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। तस्वीरों में खून से लथपथ छोटे बच्चे और बुजुर्ग पड़े हैं। अंद्राबी लिखते हैं कि तालिबान आतंक फैलाकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को मारकर शासन करना चाहता है। इस तरह से तालिबान देश नहीं चला सकता। अंद्राब में तालिबानी लोगों के घरों में घुसकर उन्हें बिना कारण बंदी बना रहे हैं और मासूम लोगों को मार रहे हैं। अंत में लिखते हैं कि लोगों को इस क्रूरता के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। काबुल एयरपोर्ट में आतंकी हमले के आसार हैं। विदेशी नागरिक अफगानिस्तान छोड़ने के लिए एयरपोर्ट का रुख कर रहे थे। इसी बीच एयरपोर्ट में आतंकी हमले की खबर आई, जिसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से एयरपोर्ट से लौट जाने की अपील करी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग एयरपोर्ट के पास हैं वो वापस अपनी जगह लौट जाएं। अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालें तो बैंक कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल बना हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि बैंक कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब उनकी पेंशन 30 से बढ़कर 35,000 हो जाएगी। केंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव इंडियन बैंक एसोसिएशन ने रखा, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार कर लिया। बता दूं कि वित्त मंत्री अपने मुंबई दौरे पर हैं और बैंक की परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। बैंकों में धोखाधड़ी के केसेस में भी अच्छी गिरावट आई है। लॉर्ड्स में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में 25 अगस्त को भारत की हुई शर्मनाक हार के लिए याद रखा जाएगा। 89 साल बाद ये भारत की सबसे बुरी हाल है। मात्र 78 रन बनाकर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। टीम के बड़े बड़े दिग्गज आते गए और आउट होते गए। कैप्टन विराट कोहली केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा 105 बॉल पर 19 रन बनाकर मैदान से बाहर हो गए। भारत के 3 बैट्समैन 0 रन पर आउट हो गए। एंडरसन की बॉलिंग टीम इंडिया पर भारी पड़ गई है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछली बार ऐसी बुरी हाल साल 1952 में मिली थी, जब भारत की टीम मात्र 58 रन में ऑल आउट हो गई थी। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर। केरल में कोरोना का कहर आ गया है। देश में तो कोरोना के मामले धीरे पड़ गए हैं, लेकिन केरला अभी भी कोरोना से जूझ रहा है। केरला में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,445 नए मामले सामने आए। इन नए केसेस को मिलाकर केरल में 48,83,429 कोरोना के मामले आ चुके हैं, जिसमें से 215 लोगों की मौत हो गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।